जो सच होगा उसकी बात होगी, सच्चाई होगा तो वो आगे होगा। जो ईवीएम है उससे हमारा देश खतरे में है, हमारा समाज खतरे में है, तो ये क्यों नहीं हटाया जा रहा? तो इन्होंने विनाश का नाम विकास रख दिया है। राम को कौन लेकर आया? ये मोदी से पहले राम नहीं था क्या? राम को मोदी जी लेकर आए क्या? जो प्रधानमंत्री 10-10 लाख रुपए का सूट पहन रहा है, जो प्रधानमंत्री जनता को नहीं देख रहा, इनकी भूख प्यास को नहीं देख रहा, रोजगार को नहीं देख रहा, इनके सारे हकों का हनन कर दिया। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटियाला हाउस कोर्ट में। जिस तरीके से लगातार ईवीएम हैकिंग में सवाल उठ रहे हैं और ईवीएम को हैक करने के मामले तमाम नजर आ रहे हैं, यहाँ पे एक पैदल मार्च निकाला जा रहा है ईवीएम बैन को लेकर, और इस मार्च का नाम है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, यहाँ पे पुलिस वगैरह सब यहाँ पे आ चुकी है, डिटेन करने के लिए यहाँ पे खड़ी हुई है। इस तरीके से ये लोग मार्च निकाले हैं, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए उसको लेके यहाँ पे पूरी पुलिस वगैरह खड़ी है और तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन को लेके मार्च निकालने वाले पटियाला हाउस से, कि ईवीएम बैन होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। यहाँ पे तमाम लोग हैं, हम उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक सोशल मीडिया पे कल एक वो देखा था, कि भाई वो कहने लगा मेरी बकरी ने अंडा दिया है, मेरी बकरी ने अंडा दिया है। आपने कहा जी बकरी कैसे अंडा दे सकती है? उसने कहा मैंने मुर्गी का नाम ही अंडा रख दिया। तो इन्होंने विनाश का नाम विकास रख दिया है। तो राम मंदिर बनने खुश नहीं है क्या? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। मैं राम को नहीं जानता, मैं रामायण को नहीं जानता। मैं तो ग्रंथ उसको जानता हूँ जिसका इतिहास है, जिसका कोई इतिहास नहीं है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने नाटक बता दिया, काल्पनिक बता दिया। आज आप इतने पढ़े लिखो कर फिर भी रामायण की और राम की बात कर रहे हैं। भाई साहब, मैं इंसानियत के धर्म को जानता हूँ, मैं किस सनातन धर्म को नहीं जानता। कह तो रहे हैं जो राम को लाए उन्हीं को लाएंगे, जो राम को लाए उन्हीं को लाएंगे। नहीं नहीं, राम को कौन लेकर आया? ये मोदी से पहले राम नहीं था क्या? राम को मोदी जी लेके आए क्या? या मोदी जी को राम लेके आए ये बता दीजिए पहले। तो भाजपा का है ना? अरे नारे तो कोई भी बना लो, आप भी नारा बना लो अपना, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ पहले नहीं, मैं तो एक बात कहता हूँ, जो प्रधानमंत्री 10-10 लाख रुपए का सूट पहन रहा है, जो प्रधानमंत्री जनता को नहीं देख रहा, इनकी भूख प्यास को नहीं देख रहा, रोजगार को नहीं देख रहा, इनके सारे हकों का हनन कर दिया है। आप राम लला के दर्शन करने जाएंगे? लगातार यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से देखिए आपकी ईवीएम हटाओ और देश बचाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से पटियाला हाउस कोर्ट में लोग एकत्रित हुए हैं कि ईवीएम को बैन करना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। हम लोग अब मार्च करने के लिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ बढ़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। सब लोग यहाँ आइए, आगे आगे महमूद भाई और हम लोग रहेंगे, पीछे सारे साथी रहेंगे, और डिसिप्लिन के साथ, पुलिस के साथ किसी भी तरह की अभद्रता नहीं करनी है, किसी भी तरह की किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी से कोई अभद्रता नहीं करनी। वो हमारी सुरक्षा के लिए है, उनकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। प्लीज ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। यहाँ पे एक मार्च निकाला जा रहा है पूरा, कि जो ईवीएम में हैक होने के तमाम मामले नजर आते हैं। महमूद प्राचा एडवोकेट जो है वो यहाँ पे मार्च निकालने जा रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरीके से सरकार पे कह रहे हैं कि कैसे हैं आप, सर क्या कहेंगे ईवीएम हैक के मामले में? आप यहाँ मार्च निकालने जा रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे मौजूद है? भाई जितनी संख्या में 100 टर्न में लोग पहुंच चुके हैं, बड़ी संख्या है। सवाल संख्या का नहीं है, सवाल उपस्थित मनी विषय का, मुद्दे को लेकर के। क्रांतिकारी की बात कीजिए, संख्या की बात मत कीजिए। क्रांतिकारी कुछ ही होते हैं और पूरा देश उनके पीछे होता है। जब क्रांति होती है तो पूरी जनता उनके साथ आ जाती है। जो सच होगा उसकी बात होगी, सच्चाई होगा तो वो आगे होगा, वरना सब लोग पीछे हट जाएंगे। जो ईवीएम है उससे हमारा देश खतरे में है, हमारा समाज खतरे में है, तो ये क्यों नहीं हटाया जा रहा? यदि मोदी जी को अपने ऊपर भरोसा है कि हमारा देश, कि हम इतने लोकप्रिय नेता हैं, तो वो लोकप्रिय होते हुए बहुत बहुत शुक्रिया है। यहाँ पे एक मार्च निकाला जा रहा है, जो ईवीएम बैन के मामले में यहाँ पे मार्च निकाला जा रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। अब देखते हैं मार्च कहाँ तक जाता है। बाकी तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने।